हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास हो गए। तो हम हमारी टीम स्कूल से सारे टीचर्स जो है वो ट्रिप पे निकले थे। और कहाँ का ट्रिप था भैया? तो हमारा ट्रिप जो है ना वो दार्जिलिंग का था, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सारे लोग यहाँ से सिलीगुड़ी जंक्शन गए ट्रेन पे, और जंक्शन से उतरने के बाद टीचर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया। और सारे ग्रुप्स जो है ना इस तरह की गाड़ियों में अलग अलग जा रहे थे। और थोड़े थोड़े दूर पर हम सारे गाड़ी इकट्ठा हो रहे थे, सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ खा पी रहे थे और मस्ती करते हुए हम लोग इसी तरह चले जा रहे थे, है ना। उसके बाद जो है वो हमने छोटे छोटे से काफ़ी सारे क्लिप्स बनाए सो दैट आपको दिखा सकूँ, ठीक है, तो आप भी इंजॉय कर सको। देखो हमने ट्रेन में भी कुछ इस तरह की चीज़ें करी थी, और आपको शॉर्ट्स के रूप में ये दिख भी रहा होगा। जब हम लोग यहाँ पे जा रहे थे ना, ऊपर की ओर चढ़ रहे थे ना, तो लिटरली जो है इतना सुंदर सा व्यू था, हम लोग को वापस आने का मन नहीं कर रहा था। आपको भी दिख रहा होगा कितना सुंदर सा व्यू है। क्या आपको जाने का मन करेगा ऐसे में? तो डेफिनेटली नहीं करेगा भैया। हमने सोचा चलो कैमरे में कैद कर लूँ और आपको भी दिखाया जाए। अगर आप दार्जिलिंग गए हो ना, तो क्या क्या चीज़ें आपने देख रखी है प्लीज़ कमेंट करना। कहाँ कहाँ घूमे हो, क्या चीज़ें करी है आपने, प्लीज़ कमेंट करना। ये व्यू देख करके ना हमें वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था, तो हमने बस यू नो एंजॉय करते हुए चले जा रहे थे। और ऊपर की ओर जो है वो चढ़ाव था, और रास्ता जो है ना, यानी रोड कह सकूँ तो काफ़ी घुमावदार हमारा रास्ता था। हम लोग काफ़ी गाना गाते हुए, डांस करते हुए और आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने रुक करके कुछ खाया पिया, और इस तरह की चीज़ें हमने करी हैं। तो आप भी देखो, इन्जॉय करो नेचर्स को। थोड़ा सा आगे बढ़ के ना हमारी गाड़ी रुकेगी और हम सारे लोग इकट्ठा होंगे, और फिर हमारा थोड़ा सा मस्ती होगा और खाना पीना होगा हमारा। तो प्लीज़ इन्जॉय कीजिए वीडियो को। हमने क्या ख़रीदा है, कहाँ कहाँ घूमा है, किस तरह से क्या चीज़ें करी है, वो सारी कुछ मैं आपको ना इस वीडियो में डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ, सो दैट आप भी इन्जॉय कर सको घर बैठे बैठे। तो चलो वीडियो के साथ बने रहो और देखो हमारी मस्ती किस तरह से होती है, और आपने कैसी मस्ती करी है प्लीज़ कमेंट करना गाइस। तो देखो कुछ इस तरह से हम लोग मस्ती कर रहे हैं। ये बंदा को देखिए, बहुत जलन हो रही है। गौर से देखिए, गौर से जलन से चले जा रहे हैं। आइए दूसरा जलन सिर्फ देखिए। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे से जो प्लांट्स के रूप में दिख रहे हो, ये चाय बागान ही है। मतलब आप जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जाते जाओगे ना, काफ़ी सारे चाय बागान आपको दिखते जाएंगे। अब आपको भी पता होगा दार्जिलिंग जो है वो चाय के लिए ही फेमस है। सबसे ज़्यादा चाय जो है वो यहीं पर उत्पादन होता है इसका, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा होती है। लोग जब बाहर से यहाँ पर आते हैं ना, तो चाय खरीद कर ज़रूर ले जाते हैं। रोड के साइड में आपको दिख रहा होगा पटरी भी है, तो ये छोटे से रेल चलते हैं जो कि इस पे लोग घूमते हैं। और ये टी गार्डन जो है वो देखने में वाकई इतना खूबसूरत लग रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था वहीं पे उतर के हम लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करा ले। लेकिन नहीं भैया, हमें तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना था यार। हमें अपना लगेज उतार के थोड़ा सा रेस्ट करना था, उसके बाद निकलना था, क्योंकि रात भर का ट्रैवल था ना, काफ़ी थक गए थे हम लोग। तो इस तरह की चीज़ें थी, व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगी। और काफ़ी ऊपर हाइट से नीचे देखने पर कुछ इस तरह का व्यू आता है यार, सच में। लिटरली अगर जन्नत है तो यही है, पहाड़ों के बीच, और कहीं नहीं है। मतलब लिटरली यार, मतलब वहाँ जाने के बाद ना मुझे ट्रैवलिंग से प्यार हो गया। ऐसा लगा इन फ्यूचर मैं ज़रूर बार बार जाऊँगी ऐसे जगहों पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो काफ़ी सुंदर सा नज़ारा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन रोड और घर जो है वो बनाए होते हैं इतने हाइट पे, पहाड़ों को काट काट कर बनाए होते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कितना ज़्यादा यू नो डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन फिर भी लोग उसको करते हैं। वहीं पे लोग रहते हैं कुछ इस तरह के, वहाँ के आर्किटेक्चुरल जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से थोड़े से डिफरेंट होती है, क्योंकि भैया पहाड़ पे बनाना होता है, उसको काटना होता है, बहुत सारी मुश्किलें आती है। तो हमारे यहाँ जैसे घर वहाँ के नहीं होते हैं। पहले तो ज़्यादातर लकड़ी के घर हुआ करते थे, लेकिन इस बार मैंने देखा कि लकड़ी के नहीं हैं बल्कि सीमेंट के ही हैं ऑलमोस्ट। हमारे जैसे इन लोगों ने भी घर बना रखे हैं। तो और साइड में जो रोड के आप पटरी देख रहे हो ना, वहाँ पर ट्रेन चलती है, लोग घूमते हैं उसके थ्रू रोड के ही साइड में। आप साइड में देख रहे हो सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टी हो रखी थी, तो वहाँ से टीचर्स और बच्चे जो है वो जा रहे थे, और हम उन बच्चों को बाय बाय करते हुए आगे निकल रहे थे। मतलब लिटरली यहाँ के जो
लोग थे ना उनके जो फेस कटिंग है ना यार, इतना क्यूट लग रहे थे ना वो, लिटरली बहुत क्यूट थे। और एक और चीज़ है मैंने यहाँ पे दिखा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लोग जो है बाहरी लोगों को रिस्पेक्ट कितना देते हैं। और लाइक हम जैसे भगवान को कोई चीज़ अर्पित करते हैं ना, ठीक वैसे ही ये लोग ना अपना दोनों हाथ को एक साथ करके और उसके बाद हमें कुछ भी देते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सीखने के लिए ये चीज़ें हमें मिली यहाँ पर। तो और इस तरह के रोड्स जो है वो दोनों साइड से पहाड़ों को काट करके देखो किस तरह से बनाया गया है घुमावदार रास्ता। हम इसी तरह आगे बढ़ते गए सो दैट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। और आपको भी व्यू दिखाते जा रही हूँ तो आप वहीं से बैठे बैठे सारा इंजॉय करो। और अगर ज़्यादा मन कर रहा है आने का तो डेफिनेटली आ सकते हो यार, मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ। देखो आप ऊपर हाइट से मैं आपको वीडियोस वगैरह दिखा रही हूँ सो दैट आप बैठे बैठे इंजॉय करो। देखो आपको सुंदर नहीं लग रहा है, मतलब लिटरली जन्नत यहाँ नहीं है तो और कहाँ है। पहाड़ों के बीच बस जाने को मन कर रहा था लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था भैया। बहुत ही सुंदर सा सच में नज़ारा था। देखो ये जो है ना ये सारे चाय के ही आपको दिख रहे होंगे प्लांट्स, छोटे छोटे से लीव्स होते हैं ना वही वो लोग तोड़ते हैं और फिर उसके बाद चाय पत्ती के रूप में उसको तैयार करते हैं। सारे टीचर्स जो है ना वो चाय खरीद के ले गए थे यहाँ से, हमने नहीं लिया। हाँ जी गाइस, तो ये सारे जो छोटे छोटे लीव्स के जो प्लांट दिख रहे हैं ना वो सारे चाय के ही बागान हैं। हम लोग आगे की तरफ ऊपर हाइट की तरफ चल रहे थे, आप घर देख लो किस तरह की है और किस तरह की नहीं। ये व्यू जो है छोड़ के किसको आने का मन करेगा भैया। तो हम आगे की ओर चल पड़े थे, काफ़ी सारे जगह हमें घूमने थे, लाइक पीस पैगोड़ा हो गया, फिर टाइगर हिल्स जाना था, वहाँ का जू और HMI फेमस है वहाँ पर जाना था। तो इन सारी जगह पर हमें जाना था और हम वहाँ पर चल रहे थे। ये देखो चाय का बागान है, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लिटरली यहाँ स्वर्ग नहीं है तो और कहाँ है। पहाड़ों में ही स्वर्ग आपको दिख जाएगा ऐसा मैं कह रही हूँ, मेरा मानना है। अगर आप सच में ये व्यू देखना है ना तो आप घूमो, एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो, बहुत ही ज़्यादा घूमो फिरो, काफ़ी सारी चीज़ें ना आपको नेचर से सीखने को मिलेंगी। हम जो है वो जब गए थे इन सारी जगहों पर तो नेचर को काफ़ी नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये टी गार्डन देखने के बाद हम आगे बढ़ गए थे और हमें टाइगर हिल्स जाना था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो व्यू है ना ये टाइगर हिल्स का ही है। लोग 3 बजे भोर से ना, लोगों का हुजूम यहाँ पे भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, क्योंकि उसी के जस्ट बगल में कंचनजंगा का पीक हमें दिख रहा था। काफ़ी सारे कंचनजंगा और उसके साथ ही और भी सारे माउंटेंस थे जो कि काफ़ी ठंडी हवाएं वहाँ से आ रही थी। उसके बाद तो हम जू जाते हैं और जू में देखो मेरे पीछे पीछे ना बाघ आ रहा है दौड़ता हुआ, है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ें हमने देखी और देखने के बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, सारी चीज़ें हुई। और उसी में HMI है, मतलब उसी जू के कैंपस में ही जस्ट बगल में कह सकूँ तो HMI है जहाँ माउंटेनियरिंग की इंस्टीट्यूट है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर हमने देखी और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, तेंजिंग नॉर्वे और ये सारी लोगों के कैसे पहनावे होते हैं, माउंटेन के लिए क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद जो है वो मैगी यानी पहाड़ों वाली मैगी, एक दिन नहीं दो दिन नहीं हर दिन हम लोगों ने इसका लुत्फ उठाया और पहाड़ों वाली मैगी खाई। उसके बाद काफ़ी ऊपर हाइट पे महाकाल मंदिर था। अब महाकाल की भक्त हूँ भैया तो हाइट थोड़ी ना देखूंगी, मैं भी चढ़ पड़ी ऊपर और भगवान से आशीर्वाद लेने। उसके बाद हम पीस पैगोड़ा गए, आपको दिख ही रहा होगा पीस पैगोड़ा इसी को कहते हैं भैया। हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक कराए और भगवान बुद्ध से आशीर्वाद लेकर के आगे की ओर बढ़ चले। तो आपको दिख रहा होगा हम आगे की ओर जा रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी थी बट वीडियो नहीं ले सके, उसके लिए माफ़ करना। तो ये सारी चीज़ें घूमने के बाद हमारा बारी था ट्रेन पे ट्रैवल करने का अगेन, और उसके बाद वापस से आकर के फिर स्कूल के वही सारे वर्क हमें करने थे। तो यहाँ से हमें जो है वो आगे बढ़ के हमारी ट्रेन थी, हमें वापस बैक टू पवेलियन वाली चीज़ें थी। तो हम वापस आए थे और हमारे जो प्रिंसिपल है ना वो हमारे ही बोगी में थे, तो हम डर गए थे कि भैया उनके साथ क्या ही हम मस्ती कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था भैया, वो स्कूल में है फादर, यहाँ पे तो हमारे फ्रेंड की तरह मस्ती की, आप भी देख सकते हो, चलो देखो।